2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान को लेकर भाजपा के विजय रथ को गति देने 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार पहुंचेंगे। यहां पर भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर सहित आसपास के जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां और व्यवस्था को लेकर धार जिला भाजपा कार्यालय पर आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने संबोधित किया और भाजपा के भारी मत से जीतने के बाद कहते हुए प्रधानमंत्री की जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की बात कही। उक्त पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, धार विधायक नीना वर्मा, भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, जिला प्रभारी श्याम बंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, लोकसभा प्रभारी नंद किशोर पाटीदार, संयोजक प्रभु राठौर, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू, नीलेश भारती सहित वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार में आयोजित 7 मई की सभा को लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर सहित भाजपा नेता अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।